सब डिजर्विंग अनडिजर्विंग वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सो लेट देम। मेरे घर पे मेरी मम्मी और मेरी बहनों को शायद पता नहीं है कि क्या कपड़े भेजने चाहिए क्या नहीं भेजने चाहिए, तो मैंने एक प्रोफेशनल हायर करी थी कि चंद्रिका सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट यू। सी नेजी के साथ मेरी दोस्ती बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है। हाय गाइस, आई एम सना मकबूल एंड वॉच मी ऑन टेली रिपोर्टर। हाय, थैंक यू सो मच टेली रिपोर्टर फॉर हैविंग मी। How are you feeling after winning the show? On 7th or 9th floor? No, I am on ground zero and I would like to stay on ground zero. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपने चाही आपने वो पाई, तो आई थिंक मैं बहुत उस चीज़ को लेके मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। रणवीर ने काफ़ी बार बोला है कि जो आपका विनिंग है वो सही नहीं है, यू आर नॉट डिजर्विंग एंड ऑल दैट। डू यू एग्री टू दैट? साई किशन राव भी आपके इतने सपोर्ट में नहीं आए हैं। यार जब मैं वो शो से बाहर निकली ना, आई वुड से कि मैं ख़त्म करके निकली थी, बट शो ख़त्म हो गया है, चीज़ें ख़त्म हो गई, विनर डिक्लेयर हो गया है। सो आई वुड लाइक टू से कि इसे ख़त्म ही कर देते, अब डिजर्विंग अनडिजर्विंग वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सो लेट देम। अरमान ने रिसेंटली कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि आप गोल्ड डिगर हैं एंड ऑल दैट थिंग्स, व्हाट यू विल बी सेइंग आल्सो इज दैट के चलेगा, दैट इज इन द क्वेश्चन दैट्स फ्रॉम माय। अरमान ऑल्सो सेड कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, जो आपने ड्रेस डाली थी वो ऑलरेडी शूट हो चुकी थी एंड ऑल दैट। यार आई डोंट नो, आई थिंक ही इज़ नॉट डन हिज होमवर्क, बट मैं यही चीज़ बोलूँगी कि कपड़ों की बात कर रहे हैं तो एक्ट्रेस हूँ, सजना सवरना अच्छा लगता है, प्रिपेयर्ड जाना अच्छा लगता है, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी बेस्ट लगूँ। मेरे घर पे मेरी मम्मी और मेरी बहनों को शायद पता नहीं है कि क्या कपड़े भेजने चाहिए क्या नहीं भेजने चाहिए, तो मैंने एक प्रोफेशनल हायर करी थी, स्टाइलिस्ट हायर करी थी एंड शी गाइडेड मी द होल जर्नी। एंड या अभी इनको मेरे कपड़े आने और मेरे कपड़े पहनने से इनको फिक्स लग रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट द शो इज़ ओवर गाइस। यस, आपकी मम्मा ने बाहर आते ही एक इंसान का नाम दिया था कि इससे दूर रहना, वो है चंद्रिका। सो हैव यू केप्ट दैट डिस्टेंस फ्रॉम हर, बिकॉज थ्रू द शो वो बहुत अलग थी, बाहर आने के बाद उनके तमगे अलग थे आपके लिए? यार देख, मैं ना आई फील, यार सॉरी देख बोल रही हूँ, सॉरी, आई फील यू नो, जब हम शो के अंदर थे हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव होता है लोगों को लेके, क्योंकि वो टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है, एंड जब मैं बाहर आई, आई डोंट नो उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, आई एम वेरी क्लूलेस अबाउट इट, बट येस माय मॉम डिड सेड दैट कि चंद्रिका सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट यू, शी वॉज नॉट ऑन योर फेवर, बट आई थिंक लास्ट डे उन्होंने मुझे बोला, मकबूल सॉरी मैं तुझे हग नहीं कर पाई थी। तो मेरे लिए मैं वही घड़ी पे हूँ जहाँ वो जब गई थी, मैंने ना उनका कोई इंटरव्यू अभी तक देखा है, सो या आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट ऑन दिस। अब दोस्ती कैसी आपकी नेजी के साथ? उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा अनलकी हूँ एंड ऑल दैट, इज देयर अ केमिस्ट्री और अ सॉन्ग कमिंग अप? सी नेजी के साथ मेरी दोस्ती बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है। फ्यूचर में काम काज आई डोंट नो, हो सकता है, यू नेवर नो, नेवर से नेवर। जब विनर की अनाउंसमेंट हुई, यू रियली यू नो वर होपिंग फॉर दैट मैनिफेस्टिंग के कम टू मी बेबी एंड ऑल दैट, हाउ स्पेशल इट वाज? क्योंकि आपने इससे पहले पेजेंट्स में परफॉर्म किया है एंड यू वर रियली यू नो कीन कि मैं जीतूंगी जीतूंगी जीतूंगी, लोगों ने ये भी बोला, जर्नलिस्ट ने ये भी बोला था कि अगर ये जीत गई ना तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा, शी बी चेंज्ड। नो आई डोंट थिंक सो, और मैं ना मुझे मेरी रियलिटी पता है, मैं अगर पेजेंट में भी थी तो मुझे पता है मैं क्यों कैसे हारी थी, मैंने कभी जीतने वाली चाह नहीं रखी थी, क्राउन हमेशा मुझे पसंद है मेरे सर के ऊपर, बट बिग बॉस मैंने चाहा था, दिल से चाहा था कि मैं जीतूँ, सो एंड आई कॉल माई सेल्फ अ गो गेटर, तो मुझे पता है कि मैं अपनी चादर उतनी ही फैलाती हूँ जितनी मेरी औकात हो, तो मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी कहाँ है और कितनी है, तो बिग बॉस मैंने येस चाहा था डे वन से, और डे एंड अगर मैं वो ट्रॉफी उठा के गई हूँ तो मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने ये कर दिखाया। कटारिया, विशाल शिवानी, इन सब का प्यार जो है आपके साथ, इस पूरे ग्रुप को बहुत प्यार मिला है, राइट? बट विशाल हैज गॉट अ न्यू लुक, फर्स्टली योर कमेंट ऑन दैट, विल यू बी आल्सो यू नो गोइंग अहेड विद एनी अदर मेकअप? आई डोंट नो, आई थिंक विशाल ने अपना हेयर चॉप कर लिया, मेरे लिए वो थोड़ा न्यू था, बट ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम। मेरे लुक की बात करें तो आई डोंट नो, लेट्स सी, चेंज इज ऑलवेज नाइस। ठीक है, विद दैट नोट, योर मैसेज टू फैंस,
हम चाहते हैं आप अच्छे दिन कीजिए, आपको प्यार मिले, शादी भी हो बड़े अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा साथ दिया इस पूरी जर्नी में, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल, सो थैंक यू एंड थैंक यू अनुज।